Hey guys, welcome back. So I hope you all are doing well. So आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अमेजिंग ट्रिक एंड मैं इसे लाइव करके आपको दिखाऊंगी. मैं लाइव प्रूव करूंगी कि कैसे आप अपने बहुत ही ज्यादा डल वाइट से लिप्स जो होते हैं इसको कहते हैं कलरलेस लिप्स कह सकते हो, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा गंदे लगते हैं एंड बहुत ही ज्यादा कॉस्मेटिक्स को यूज करने से जनरली लिप्स जो है वो अपना नेचुरल कलर खो देते हैं, बहुत ही ज्यादा व्हाइटिश, बहुत ही ज्यादा डल लगते हैं वो, तो बहुत ही ज्यादा गंदा लगता है. जिसको छुपाने के लिए गर्ल्स जो है वो यूज करती है लिपस्टिक को ऑफकोर्स, क्योंकि अच्छा दिखना भी जरूरी है एंड उस चक्कर में उनके लिप्स जो है वो और भी ज्यादा गंदे हो जाते हैं. सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अमेजिंग ट्रिक जिसे यूज करके आप इन सारे झंझटों से फ्री हो जाओगे, लाइक हमेशा के लिए फ्री हो सकते हो अगर आप इसे यूज करोगे तो. एंड ट्रस्ट मी, इसका कोई हार्म इफेक्ट नहीं है आपके लिप्स पे. आपकी लिप्स जो वो बहुत ही ज्यादा हेल्दी रहने वाली है एंड ये ट्रांसफर प्रूफ है. सबसे बड़ी बात की ट्रांसफर प्रूफ है. आप इसे यूज करके पूरे दिन फ्री माइंड के साथ कुछ भी खा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो बिना टेंशन के कि आपको लिपस्टिक के टचअप की जरूरत है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला. बड़े आराम से ये पूरे दिन लास्ट करता है. पर्सनली मैं स्टिक को यूज़ करती हूँ, स्पेशली जब मैं कॉलेज जाती हूँ या फिर कहीं भी बहुत ही ज़्यादा फ्री होता है आदमी, जब आपको अच्छा दिखना भी होता है एंड टाइम नहीं होता है कि आप टचअप करो. एंड लिपस्टिक इज समथिंग जो कि आपको इंस्टेंटली फ्रेश एंड प्रेजेंटेबल दिखा सकता है. सो मैं स्टिक को पर्सनली बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी स्टिक को शेयर कर दिया जाए. सो फिलहाल आप मेरे लिप्स पे जो कलर देख सकते हो ये भी कोई लिपस्टिक नहीं है, कोई लिप बाम नहीं है एंड ये 100% ट्रांसफर प्रूफ है. आप देख सकते हो एक टिश्यू है जिसे मैंने कब से पकड़ के रखा हुआ था, क्योंकि मुझे इसे प्रूव करना था कि लिपस्टिक जो ट्रांसफर प्रूफ है. आप देख सकते हो लिपस्टिक नहीं कह सकते, लाइक DIY लिपस्टिक आप जो चाहो लिप स्टेन कह सकते हो उसको. सो ये आपके ऊपर रहेगा आप इसको क्या नाम देना चाहते हो. सो ये रहा टिश्यू जो बिल्कुल वाइट है, आप देख सकते हो बिल्कुल वाइट है ये. एंड मैंने कितने अच्छे से रगड़ा बट स्टिल आपका लिप कलर जो है वो टस से मस नहीं होने वाला एंड ये पूरे दिन के लिए. तो आप जस्ट इस रेमेडी को दिन भर में एक बार अप्लाई कर लो, ट्रस्ट मी ये लिप कलर जो है वो आपके लिप से टस से मस नहीं होगा, ना तो ये गायब होने वाला है ना ये इधर उधर फैलने वाला है. तो आप बड़े फ्री माइंड से अपना पूरा ध्यान जो अपने काम पे लगा सकोगे, या फिर अगर आप मस्ती कर रहे हो तो आपका पूरा ध्यान मस्ती पे होगा ना कि आपके लिपस्टिक पे. सो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो अकॉर्डिंग टू मी, बट आपको कैसा लगा आप कॉमेंट करके जरूर बताइएगा. एंड चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि इस रेमेडी को बनाना कैसे है एंड ऑफकोर्स इसे यूज भी कैसे करना है, क्योंकि मैंने फिलहाल इसे ही यूज कर रखा है. आप देख सकते हो कितना ज्यादा अच्छा कलर लग रहा है. एंड आप कह सकते हो कि फिलहाल मेरे फेस पे कोई मेकअप नहीं है, ना तो मेरे फेस पे कोई मेकअप है ना मेरे लिप्स पे कोई मेकअप है, बट स्टिल मैं प्रेजेंटेबल लग रही हूँ ऐसा मुझे लग रहा है. आपको कैसा लग रहा है आप कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, बट पहले इस रेमेडी को देख लीजिए. तो इस रेमेडी को बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एक ग्लास के छोटे से बाउल का, साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एवरड्यूथ का पील ऑफ मास्क. अब देखो यार, बहुत लोग दिमाग लगाते हैं मास्क की जगह पे यूज़ कर लेते हैं फेबिकॉल का, लेकिन मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप फेबिकॉल लिप्स पे अप्लाई करो, क्योंकि वो आपके लिप्स को डार्क कर देगा. एंड साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देंगे फूड कलर, तो मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर लिया है क्योंकि मुझे ऑरेंज स्टिंग चाहिए था. आप पिंक भी ऐड कर सकते हो, कम्प्लीटली आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है. एंड क्वांटिटी भी मैंने बहुत कम डाली है कलर की, क्योंकि मुझे बहुत ही लाइट नेचुरल कलर अच्छा लगता है. अगर आपको डार्क चाहिए तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो. तो सिंपली अब हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे बहुत ही अच्छे से एंड बस कोई लंप नहीं रहना चाहिए, आप इस बात का ख्याल रखो. एंड ट्रिक अभी स्टार्ट होती है कि इसे अप्लाई कैसे करना है. तो इसे अप्लाई करने से पहले आप एक बात का बिल्कुल ख्याल रखो कि आपके लिप्स पे बिल्कुल भी लिप बाम नहीं रहना चाहिए, आपका लिप्स जो वो बिल्कुल मॉइस्चराइज नहीं रहना चाहिए. जस्ट आप लाइक फेस वॉश कर लो या फिर अपने लिप्स को अच्छे से क्लीन कर लो, ऑयल से नहीं करना. ओके, तो लिप्स को क्लीन कर लो एंड इसे अप्लाई कर लो, क्योंकि अगर आपके लिप्स जो है वो मॉइस्चराइज रहे तो बिल्कुल कलर नहीं आएगा. ये मैं पहले क्लियर कर देती हूँ. तो अपने लिप्स को ऑयल फ्री बनाओ पहली बात, एंड देन इसे अप्लाई करो. आराम से टाइम लो, अपने लिप्स को अच्छे से आउटलाइन करो. टाइम लो मतलब मेरा वीडियो जो है फास्ट फॉरवर्ड पे है, तो ये नहीं सोचना कि 2 सेकंड में हो गया, लाइक टाइम लो, मुझे भी लगा था. सो देख सकते हो मैंने लिप्स को बहुत अच्छे से आउटलाइन कर लिया है, लाइक हर एक एरिया पे अच्छे से अप्लाई कर लो सिंपली. एंड इसे ड्राई होने दो एंड जस्ट रिमूव कर लो जैसे आप नॉर्मल पील ऑफ मास्क रिमूव करते हो, सिंपली वैसे कुछ नहीं करना. एंड ये बहुत ही लाइक काम की चीज़ है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, तो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया. होपफुली आप लोग को भी अच्छी लगी होगी. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो. तो अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो हेल्पफुल रही, तो वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. एंड साथ ही अगर आपके पास मेरे लिए या मेरे चैनल के लिए कोई भी सजेशन हो,
कोई भी आइडिया हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड ऑल्सो अगर आप मेरे बारे में कुछ पर्सनली जानना चाहते हैं, लाइक कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो एंड लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप चाहो तो वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हो। सो बस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, मिलती हूँ मैं आपसे बहुत जल्द अपने एक नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।